बिमिरा अस्सलाम वालेकुम कैसे आप सब लोग आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि हमने ईद के लिए स्पेशली बनाई है यह है ईद स्पेशल केक डेजर्ट और इसे बनाना बहुत ही आसान है देखने में बहुत ही मज़ेदार है और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त है बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर यह विप क्रीम ली है और ये साशेज इस तरह से मिल जाते हैं इसमें क्रीम पाउडर की शक्ल में मिलती है और बहुत आसानी से बीट हो जाती है अगर ये अवेलेबल हो तो आप ये ले सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक क्रीम का साशे और उसके लिए मैंने हाफ कप चिल्ड मिल्क लिया है और आधा टी स्पून वेला एसेंस लिया है इन दोनों चीज़ों के साथ ही इस क्रीम के साशे को हमने मिक्स कर दिया है और इसके बाद हम इसे बीट कर लेंगे बीट करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो बीटर है आपके पास इसे भी आप पहले फ्रीज़र में रख कर निकाल लें क्रीम को हमने बीट करके फ्रिज में वापस रख दिया ताकि वो ठंडी रहे इसके बाद हमने दो अंडे लिए हैं इसमें आधा कप चीनी ऐड की है और इन दोनों को बीट किया है ताकि क्रीमी हो जाए इस तरह से इसके अंदर ऐड करेंगे आधा टीस्पून वनीला एसेंस और एक तिहाई कप हमने इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है साथ ही एक टेबल स्पून मजीद ऐड किया है। आधा कप के करीब मैदा लेंगे इसके अंदर दो टीस्पून बेकिंग पाउडर के मिला लेंगे हम और इसे हम छान कर ऐड करेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा छान कर ऐड करती जाऊंगी और इसे आप इस से मिक्स करते जाएं बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की अब जरूरत नहीं है सिर्फ इसे हमें फोल्ड करना है मैदे को इस एग के बैटर के साथ तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं क्रीम जो हमने ऑलरेडी विप करके रखी है उसके लिए आप बाज़ार से कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं अगर ये साशेज़ अवेलेबल ना हो और उसके अलावा जब भी आप क्रीम बीट करें तो जो बोल है आपका वो और जो भी चीज़ें हैं विप करने वाले जो विस्क हैं वो भी सब आपके बहुत ठंडे होने चाहिए जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से विप हो जाती है तो ये देखें हमारा बैटर जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया है इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक चौथाई कप के करीब दूध और ये दूध गर्म है इसको भी मिक्स कर लेंगे और जब ये हम मिक्स कर लेंगे तमाम चीजें तो इस तरह से कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए ये हमारा बैटर रेडी है केक का इसके लिए हमने एक डिश ली है जिसकी कैपेसिटी दो लीटर है तकरीबन इसको हमने हल्का सा ग्रीस कर लिया है पहले ताकि केक चिपके नहीं इसके साथ और इसके ऊपर अब हम ये बैटर ऐड कर देंगे इसके बाद हम इसे बेक कर लेंगे आप चूल्हे पर बेक कर सकते हैं इसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं वो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से चूल्हे पर भी बेकिंग हो जाती है वरना आप ओवन में इसे बेक कर लें 180 से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बीस से पच्चीस मिनट तक तमाम ओवन के टेम्परेचर्स और टाइम थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं से केक को चेक कर लें अगर ये साफ बाहर आए तो उसका मतलब है केक रेडी है इसके बाद इसी स्क्यूअर से थोड़े से इसके अंदर मैंने होल कर दिए हैं और क्वार्टर कप के करीब दूध ऐड कर दिया है इसमें मुकम्मल तौर पर जब हमारा केक ठंडा हो गया है तो हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं ये क्रीम हमने एक पाइपिंग बैग में निकाल कर रख ली थी और इसे बिल्कुल रेफ्रिजरेटर में रेडी रखा था तो अब हमने इससे इस इसपे थोड़े से डिजाइन बना लिए हैं साथ ही थोड़े से क्रश पेस्टाशियोज हम इस पर ऐड करेंगे इसको और ज्यादा आई कैचिंग बनाने के लिए और थोड़ी सी रोज बर्ड्स जो ड्राइड फॉर्म में है वो भी ऐड कर दी हमने इस पर तो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारा ये केक डेजर्ट रेडी हो गया है इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़